हैलोवीन वाली रात गट्टू चिंकी अपनी सोसाइटी में रहने वाले उनके दोस्त जेम के घर खेलने गए थे। थोड़ी देर गट्टू चिंकी जेम के साथ खेलते रहे और फिर थक कर हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि जेम के दादाजी एक पंपकिन लेकर बैठे थे और उस पंपकिन को भूतिया चेहरा दे रहे थे। गट्टू चिंकी को ये बात समझ नहीं आई कि दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जेम से पूछा, जेम दादाजी इस पंपकिन को इतना डरावना क्यों बना रहे हैं? ये सुनकर जेम का जो रिएक्शन था वह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा डर गए। उसके बारे में बोलना भी मना है, बहुत खतरनाक रात है आज। मैं तो कहता हूँ तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, शाम होने को है। रात हो गई तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, तुम अपने घर भी नहीं जा सकोगे और मेरे घर रहना तो खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर गट्टू चिंकी सीरियस हो गए। दोनों काफी डर भी गए थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि जेम आखिर क्या कहना चाहता है। गट्टू चिंकी की उलझन देखकर जेम फिर से बोलने लगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलो। यहाँ वो मेरी बातें सुन लेगा तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन सुन लेगा जेम? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलो। ऐसा कहकर जेम गट्टू चिंकी को अपने कमरे में ले गया। कमरे में आते ही उसने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा डर गए। दरवाजा क्यों बंद किया? सुनो मेरी बात। ऐसा कहकर जेम आगे कुछ ऐसा बताने लगा जो सुनकर गट्टू चिंकी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था। दोनों पसीने से तरबतर होकर जेम को सुन रहे थे, मानो वो कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। जेम ने अपनी बात खत्म की और गट्टू चिंकी से पूछा, मैंने जो जो कहा वो सब समझ में आ गया? लेकिन गट्टू चिंकी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। चिंकी ने दरवाजा खोला और दोनों रूम से बाहर हो गए। गट्टू चिंकी को इतनी शांति से जाता हुआ देखकर जेम के दादाजी बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, ऐसे क्यों जा रहे हो? यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन गट्टू चिंकी ने पहले ही दादाजी के हाथ में वो पंपकिन देख लिया था, जिसे दादाजी ने अब पहले से भी ज्यादा भयानक बनाया था। दोनों ने पीछे मुड़कर दादाजी की तरफ देखा भी नहीं और दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। जेम, तुमने क्या कहा गट्टू चिंकी से? जेम, गट्टू चिंकी घर आए तो आज अचानक उन्हें घर काफी खाली खाली और बड़ा लगने लगा था। मम्मी, मम्मी, पापा कहाँ हैं? इस वक्त और कहाँ होंगे, ऑफिस में। दादी कहाँ है? वो सरिता आंटी के घर गई है। क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? जेम से झगड़ा हुआ है क्या? मम्मी, हम रोज कितना लेट खाना खाते हैं ना, सोते भी लेट है। एक काम करो, आज जल्दी खाना बनाओ, रात का खाना बनाकर हम जल्दी सो जाएंगे। मैं पापा को कॉल करके बुला लेता हूँ। कमाल है, रोज तो टीवी के सामने से खाने के टेबल तक तुम्हें खींच कर ले जाना पड़ता था, आज अचानक ये बदलाव कैसे? लेकिन गट्टू चिंकी ने मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। गट्टू चिंकी के कहने पर मम्मी ने खाना जल्दी बना दिया था। पापा भी जल्दी घर आ गए थे। दादी, गट्टू, चिंकी सब मिलकर खाना खा रहे थे। अच्छा हुआ जल्दी खाना हो रहा है, अब मैं जरा दोस्तों के साथ बाहर टहल कर आ सकता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी डर गए। नहीं पापा, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में ही रहेंगे। लेकिन क्यों बेटा? लेकिन गट्टू चिंकी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जैसे ही रात के 9 बजे और बिस्तर पर जाने की बारी आई, गट्टू चिंकी डर गए और जाकर मम्मी पापा के बीच में सो गए। कमाल है, आज बच्चे उनका कमरा छोड़कर हमारे बीच, हो क्या गया है इन्हें? शिट, अच्छा हुआ गट्टू तू आ गया, मैं पानी भूल आई हूँ, जरा फ्रिज से लेकर आना। तो नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। गट्टू, मम्मी का अच्छा बच्चा है ना, जा बेटा लेकर आ। ठीक है, लेकिन चिंकी भी मेरे साथ चलेगी, चलो चिंकी। बेचारी चिंकी आखिर क्या करती, वो गट्टू को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। वो भी गट्टू के साथ फ्रिज तक चली आई। वो फ्रिज में तो नहीं बैठा होगा ना? नहीं नहीं, इतनी ठंड में कहाँ बैठेगा।
पानी लो और जल्दी चलो। गट्टू फ्रिज खोलने ही वाला था कि तभी अचानक लाइट चली गई और गट्टू चिंकी एकदम से चीख पड़े और डर कर एक दूसरे से लिपट गए। तभी अचानक गट्टू ने एक परछाई देखी, एक औरत की परछाई। एक औरत हाथ में मोमबत्ती लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तो दोनों आंख बंद करके जोर जोर से चीख पड़े, बचाओ, मम्मी, पापा, बचाओ। तभी अचानक लाइट आ गई और सामने खड़े दादी ने मोमबत्ती बुझा दी। मम्मी पापा भी वहाँ आ गए थे। गट्टू चिंकी आंखें खोलो, मैं हूँ दादी। गट्टू चिंकी ने दादी को देखा और वो झट से रोते हुए दादी को लिपट गए। दादी दोनों के कान फूंकने लगी। आज हो क्या गया है इन्हें, ये लोग इतना डरे क्यों हैं? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, आज हैलोवीन की रात है, दोनों जेम के घर गए थे। दादी प्लीज नाम मत लो। डोंट वरी बेटा, जेम ने जो कहा वो झूठ है, आज कोई भूत भूत नहीं आते। हैलोवीन तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक प्रथा है, जैसे हम पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, श्रद्धा करते हैं ना, ठीक वैसे ही। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, ये जेम के घर थे, जेम ने इन्हें डरा दिया कि आज हैलोवीन की रात भूत भटकते हैं वगैरह वगैरह। जेम के दादाजी नीचे मिले थे, उन्होंने बताया, बच्चों भूत भूत कुछ नहीं होता, कभी किसी ने भूत देखा है? नहीं ना, जो दिखता नहीं उस पर विश्वास क्यों रखते हो? तुम साइंस के बच्चे हो ना, बस इतना समझ लो, जैसे हम पितृपक्ष में दादा परदादाओं को याद करते हैं, ठीक वैसे ही क्रिश्चियन अपने पुरखों की याद में ये रात मनाते हैं, थोड़े अलग ढंग से। अब रात बहुत हो गई है, हम कल सुबह जैम के दादाजी से मिलकर और विस्तार में जानेंगे, अब सो जाओ, चलो। इस प्रकार हैलोवीन की रात ने गट्टू चिंकी को अंदर से हिला दिया और दादी की बातों से सो तो गए, लेकिन अपने कमरे में नहीं, अपनी दादी के पास, उनके कमरे में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।